एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में ठहरे यात्रियों से वापस जाने को कहा है। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर ये कहा गया है यात्रियों से। आपको बता दें कि सरकार ने यात्रियों को वापस जाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका जताई गई है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में स्नाइपर गन बरामद हुई है जिसके चलते यात्रियों को वापस जाने के लिए कहा गया है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, क्या जानकारी है? देखिए, अभी कुछ देर पहले जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ जनरल जलोन जो जीएससी ऑफिसर कमांड है और डीजीपी ने ये कहा कि अमरनाथ यात्रा पर इस बार पिछले 3 दिनों से एक इनपुट मिला था कि जो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पे हमला कर सकते हैं, और 3 दिन लगातार वहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अब भी जारी है, जिसमें एक स्नाइपर गन और एक एंटी पर्सनल माइन जो पाकिस्तान मेड है और M4 सीरीज की जो स्नाइपर गन है वो जो अमेरिकन मेड है वो मिली है। इसके बाद अभी एक ऑर्डर आया है होम सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें साफ ये कहा गया है कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है यहाँ पर, जो मिलिटेंट थ्रेट है यात्रा पर, उसको देखते हुए टूरिस्ट और यात्रियों को ये एडवाइज किया गया है कि जितनी जल्दी हो सके वो कश्मीर घाटी से निकले और अपना विजिट जो है कंटेन करें। इससे साफ जाहिर है कि सब कुछ ठीक नहीं है कश्मीर घाटी में, कहीं जो मिलिटेंट थ्रेट है वो उनको स्ट्राइक कर सकते हैं, कि पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा कि फायर वायलेशन हो रही है, उसकी आड़ में उस स्टैच्यू को धकेला जा रहा है। जैसे जनरल ने कहा कि उस पार लॉन्चिंग पैड पे भारी तादाद में जो है मिलिटेंट्स को रखा गया है और उसको धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ कश्मीर घाटी नहीं बल्कि राजौरी, पूंछ और यहाँ तक के पठानकोट के इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हो सकती है, जिसको जवाब दिया जा रहा है। और हमने देखा कि 2 दिन पहले जो सीजफायर वायलेशन हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है 2030 के बाद आर्टिलरी जो है यूज की है पाकिस्तान ने, जब सीजफायर का एग्रीमेंट हुआ था कि सीजफायर होगा, और तब से आज आर्टिलरी यूज की गई है उड़ी सेक्टर में, और उसका जवाब भी दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, यानी कहीं ना कहीं। ठीक है खालिद, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल सिन्हा मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्नाइपर गन बरामद होना एक अपने आप में ही क्योज वहां पर यात्रियों के लिए भी पैदा कर देगा और सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। राहुल, अब सबसे पहले वो तमाम अमरनाथ यात्री जो कि इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं और वो तमाम उनके रिश्तेदार जो कि देश में जगह जगह पर हैं, उन लोगों को किसी तरीके की भय की, किसी के डर की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की गई है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर, सेना पर पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए, और भरोसे की आज जो एक तस्वीर थी वो साफ देखने को भी मिली जब 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमारे सेना के कमांडर्स ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरा है, पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा है। तो यहां किसी तरीके के एकदम से पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खासतौर से अमरनाथ यात्रियों को, उनके रिश्तेदारों को। सेना सुरक्षा बल वहां पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन सभी आतंकवादियों और उनके जो भी समर्थक हैं उनको पूरी तरीके से अपने शिकंजे में, अपने चारों तरफ उनकी निगरानी में देख रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई भी ये हरकत ना करने पाए। लेकिन इस सब के बावजूद, चूंकि पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से कश्मीर लगातार वहां पर हालात खराब होते रहें और खास तौर से आतंकवादी किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करें, इसी वजह से एहतियातन ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आप अपनी यात्रा का जो वक्त था उसको कट शॉर्ट करें और वापस अपने जाने के, जहां से आए हैं आप वहां जाने के रास्ते तैयार किए जाएं। जी राहुल, सुबह हमने खबर दिखाई थी जी न्यूज पर कि 5 आतंकियों के घुसने की जानकारी भी थी, तो अब इसे किस तरह से समझा जाए, सिलसिलेवार तरीके से आप दर्शकों को भी बताइए कि अभी हमारे लिए अगर कोई चैलेंज है वहां पर, चुनौती है, तो वो क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने में जिस तरीके से सेना ने, सुरक्षा बलों ने मिलकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, एक के बाद एक बड़े कमांडर सब साफ हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है, आतंकवादी सरगना बुरी तरीके से पाकिस्तान में बैठे बौखलाए हुए हैं, उनको पता है कि उनका बेस पूरी तरीके से उखड़ चुका है, खत्म हो चुका है। अब बहुत कम ऐसे बड़े कमांडर्स बचे हैं, मुश्किल से गिनती से उंगली पे गिनने वाले 2 से 3 जो इस वक्त सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, और मुझे लगता है शायद जल्द ही उनके मरने की खबर भी सबके सामने होगी। ऐसी स्थिति में जब बेस पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, बौखलाहट में अब आतंकवादी और पाकिस्तान अमरनाथ यात्रा पर अटैक करने जैसी साजिशें रचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें पैनिक होने की कोई बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल और सेना पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त वहां पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से
आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें दिखाई वो तमाम हथियार जो योजना थी, तैयारी थी, साजिश थी कि हमला किया जाएगा, उस सबको पूरी तरीके से नाकामयाब किया गया। और क्योंकि हम दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं, राहुल आप भी लगातार ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह से पैनिक करने की जरूरत नहीं है और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा एडवाइजरी जारी की गई है, तो जो जत्था इस वक्त यात्रा कर रहा है या जम्मू कश्मीर के पूरे दायरे में है, तो क्या इस एडवाइजरी के बाद उसे वापस लौटने की जो बात कही गई है उसे सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा या फिर पहले देखा जाएगा कि वो रूट अप सेफ है या नहीं है फिर ये बहाल की जाएगी? अमूमन जब अमरनाथ यात्रा शुरुआत होती है, फर्स्ट पहले पड़ाव से लेकर के यात्रा के आखिरी पड़ाव तक सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम होते हैं, और इस वक्त जो यात्री जिस पड़ाव तक पहुंचे हुए हैं वहां पहले से ही पूरी तरीके से सुरक्षा मजबूत स्थिति में है, इसलिए कोई खास एहतियातन और ज्यादा उन यात्रियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये बात कही गई है उन लोगों को कि अगर आपको हो सकता है तो आप अपनी यात्रा को अभी यहीं पर जहां पर है वहां से रोक करके वापस घर लौटने की कोशिश करें, क्योंकि ये तय है कि पाकिस्तान ने एक नई कई तरीके की साजिशें जरूर रची हैं। जिस तरीके की चीजें अभी भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है वो इंडिकेट करती है कि शायद ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है आतंकवादी और खासतौर से पाकिस्तान, और वो किसी भी हाल में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हमला ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में एक भी भारतीय नागरिक को कहीं किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, एहतियातन इसी वजह से इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। खालिद हुसैन भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। खालिद हुसैन, आपके पास अब क्या जानकारी है और इस यात्रा के बाबत अभी और आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल तो ये एडवाइजरी जारी कर जो यात्री यहाँ पे हैं या पर्यटक हैं उनको जाने के लिए यहाँ से बोला गया है, लेकिन जैसा राहुल जी ने बोला कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज मिलिटेंट्स के मंसूबों को दोनों तरफ से यात्रा के दोनों रूट्स पे जिस तरह से उनने मंसूबे रचे थे कि यात्रा को निशाना बनाया जाए, उसको विफल किया गया है, और एक मैसिव सर्च ऑपरेशन उन दुर्गम पहाड़ियों में किया गया और इस M4 सीरीज की राइफल को बरामद किया गया, एंटी पर्सनल माइन को बरामद किया गया, उससे एक बात साफ है कि सुरक्षा बल सक्षम है हर किसी से निपटने के लिए, और पहले से यात्रा का रूट जो सैनिटाइज किया जाता है अब उस सैनिटाइजेशन को वाइडर किया गया है। लेकिन अब ये इनपुट्स भी हैं कि कुछ शायद जो इंटरसेप्ट हुए हैं उनके मुताबिक यात्रियों और टूरिस्टों पर शायद अब हमला हो सकता है, क्योंकि एक जो उनका मंसूबा था उसको तो विफल किया गया, इसलिए उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए वो कहीं दूसरी जगह वो स्ट्राइक कर सकते हैं। बिल्कुल राहुल, इससे पहले भी जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी उससे पहले भी इस तरह के अलर्ट जारी किए गए थे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से जवानों ने वहां पर चप्पे चप्पे पर जो निगरानी बढ़ाई है और मुस्तैदी के साथ वो तैनात हैं, तो ये दिखाता है कि डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राहुल तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खालिद, आपसे मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि लोगों की जो भक्ति है, यात्रियों की जो भक्ति है और उनका जो जज्बा है वो तब भी कम नहीं हुआ जब पहले से अलर्ट जारी किया गया था, तो अब तो इसको बिल्कुल नकार ही देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की भी कुछ शायद मजबूरियां हैं, क्योंकि आप एक वाइडर स्पेक्ट्रम पे जो इंटरसेप्शन हुआ है कि कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में पर्यटन। जी खालिद, एक और सवाल है मेरा आपसे, जिन 5 आतंकियों के घुसने की जानकारी आ रही थी जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? उनको लेकर सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा अभी? देखिए बिल्कुल, जैसा जनरल ने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए बहुत जो है कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इसी तरह से जो नियंत्रण रेखा है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर शेलिंग की जा रही, ताकि उसकी आड़ में जो है लगातार मिलिटेंट्स को घुसपैठ किया जाए, और हमने देखा कि गुरेज में 2 घुसपैठियों को भी मारा गया, लेकिन उसके लिए काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत सख्त किया गया है, मूवमेंट हुई है सेना की और 3 लाइन सिक्योरिटी कर दी गई है पूरी नियंत्रण रेखा और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के उनको विफल करने के लिए हर मुमकिन जो है कदम उठाया गया है, और जैसे जनरल ने कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, फौज सक्षम है हर किसी से। खालिद, आप बने रहिएगा,
राहुल से हमारा संपर्क एक बार फिर से जुड़ चुका है। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल आपसे यही था कि इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे अलर्ट जारी किया गया, उसके बावजूद भी ना भक्तों की भक्ति में कोई कमी आई ना उनके जज्बे में, तो ये दिखाता है वो कितने निडर हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी यात्रा की तरफ। बिल्कुल पायोदी, दो तरीके का विश्वास है, पहला भगवान के ऊपर विश्वास है और दूसरा अपना सेना और सुरक्षा बलों पर पूरी तरीके से विश्वास है। और ये विश्वास ही है कि तमाम अमरनाथ यात्री पूरी तरीके से भगवान के दर्शन के लिए वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में लगातार आतंकवादियों को एक के बाद एक मार गिराया गया, उसकी बौखलाहट के तौर पर अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने की साजिशें रच रहे हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो खास तौर से जो लोकल कश्मीर के लोग होते थे वो लोग सबसे ज्यादा उनके सेंटिमेंट से यात्रा से जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में ये बात आतंकवादी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए इस तरफ वो लोग किसी भी तरीके के हमला करने से पहले 10 बार सोचते थे। हालांकि पिछली बार उन्होंने किया था, इस तरीके का दुस्साहस देखने को उनका मिला था, लेकिन इस सब के बावजूद इस वक्त जो तस्वीर अभी कश्मीर में देखने को मिल रही है, मैं बार बार फिर एक बात बोलूंगा कि किसी तरीके के पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरीके के मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत की तरफ से लगातार वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचाए जा रहे हैं। अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और सिर्फ इसलिए ये खौफ पैदा करने की कोशिश करना, अब ये पाकिस्तान का पुराना पैतरा इसे कहें तो वो हो गया है, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान भी ये जानता है। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए जैश ने अपने 5 आतंकवादियों को पीओके से कश्मीर घाटी में भेजा है, और ये खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई है। ये सभी 5 आतंकी बेहद प्रशिक्षित हैं और घाटी में सुरक्षा बलों पर हमले का प्लान बनाकर आए हैं। मनीष शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, इनपुट ने ये ऐसा जानकारी दी है कि पिछले हफ्ते करीब 5 आतंकियों का, जैश मोहम्मद के काफी खतरनाक आतंकी हैं, उनका एक ग्रुप है जिसका कश्मीर में घुसने के इनपुट्स मिले हुए हैं, और खुफिया एजेंसी अभी कह रही है कि ये सभी काफी प्रशिक्षित आतंकी हैं और इनका मकसद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने की प्लानिंग है। देखा जाए तो पिछले जो बालाकोट के बाद से भी जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जैश मोहम्मद और बाकी टेरर ग्रुप के खिलाफ सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किए थे, जिसमें जैश मोहम्मद का काफी हद तक जो खत्म किया जा चुका है, और यही वजह है कि दोबारा जो जैश मोहम्मद का नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। यहाँ पर यह भी डर है कि कहीं वो जो आतंकी हैं, वो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको भी ना टारगेट करें, क्योंकि कल भी एक आईडी मिली बरामद हुई है जम्मू कश्मीर में जिस पर पाकिस्तान के मार्किंग है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो पीस है जम्मू कश्मीर में उसको डिस्टर्ब करना चाहता है, और इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज को कहा गया है कि वो काफी अलर्ट रहे हैं। शुक्रिया आपका मनीष, सारी डिटेल साझा करने के लिए। इस खबर पर आप बने रहेंगे हम, क्योंकि आगे जो भी अपडेट होगी सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।